दिवाली की रात दुर्ग के खेल दुकान में गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। दुर्ग में दीपावली की रात बड़ी आगजनी की घटना हो गई। इसमें खेलकूद से संबंधित दुकान के गोदाम में आग लग गई। आग ने भीषण रूप लेकर अंदर रखे सारे सामान को जलाकर राख कर डाला। बता दें, दुर्ग के संतराबाड़ी क्षेत्र में जय हिंद स्पोर्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई थी। इसके बाद मौके पर शामिल लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद मौके पर दमकल विभाग की लगभग 15 गाड़ियों की मदद से गोदाम में लगी आग पर काबू पाया गया। इस दौरान दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा और दमकल विभाग की निगरानी में आग पर काबू पाया गया। इस दौरान गोदाम में रखे लाखों रुपए के सामान जलकर स्वाहा हो गए। इस घटना में कितना नुकसान हुआ है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और इसका कोई ब्यौरा भी नहीं आया है। मगर आगजनी की इस घटना में कोई जान मान की हानि नहीं हुई। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय यादव ने प्रतिक्रिया दी। रात्रि में एक सूचना आई थी कि जो अपना संतराबाड़ी है उसमें जय हिंद स्पोर्ट्स क्लब है, जो दुकान और गोदाम दोनों है, वहाँ आगजनी हुई है करके। तो जाके देखा तो काफी भीषण रूप से आग लगी हुई थी। उस समय तत्काल दमकल की टीम को बुलाया गया था और फिर काफी अथक प्रयास के बाद आग पे काबू पाया गया है। और उसमें किस प्रकार से जन हानि तो नहीं हुई है और उनकी जो क्षति या नुकसान हो उस संबंध में जांच कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।